नमस्कार, मैं श्री संजय कुमार दास ओडिशा कटक से बोल रहा हूँ। आज रेलवे करंट रेलवे का जो स्टैटिक एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसको डिस्कशन करेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको देख लेना उस क्वेश्चन को। उस क्वेश्चन जाने से पहले याद रखिए, अप्रैल 16, 1853 में फास्ट रेलवे इंडिया में हुआ, फास्ट रेलवे इंडिया में गड़ा, ये इंडिया में। उसमें उससे उस वक्त वाइसरॉय थे डेलहाउसी, जब फास्ट रेलवे चला इंडिया में। जो फास्ट रेलवे में ट्रेन चला उसमें 400 पैसेंजर थे और वो 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया था। 35 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया था, 34 किलोमीटर नियर अबाउट है किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया था। उसमें 400 पैसेंजर थे, उसका 3 इंजन था, वो भी याद रखिए, उसका 3 इंजन था। एक का नाम है साहेब, दूसरा का नाम है सिंध, तीसरा का नाम है सुल्तान। वो तीनों इंजन में ट्रेन चला था है। और एक बात याद रखेंगे यहाँ से, जी इंडियन रेलवे इज द थर्ड लार्जेस्ट रेलवे इन द वर्ल्ड। इंडिया में जितना रेलवे है, उसमें इंडियन रेलवे है थर्ड लार्जेस्ट, याद रखेंगे। उसमें 4 टाइप्स का रेलवे लाइन है, उस गज का डिफरेंस है, उसका जो लाइन से लाइन में जो डिफरेंस है उसका डिफरेंस है, वो 4 टाइप का है। एक है ब्रॉड गज, वो लाइन लाइन से लाइन को वो 1.67 मीटर डिफरेंस है। अदर एक है मीटर गज, वो है 1 मीटर, मीटर गज लाइन टू लाइन डिस्टेंस है 1 मीटर। नैरो गज, नैरो गज में क्या है ना, लाइन टू लाइन का डिस्टेंस है 0.762 मीटर। लाइट गज और एक है लाइट गज है, ये जो लाइट गज ये क्या है ना 0.610 मीटर है, राइट। वो जो ब्रॉड गज, वो जो ब्रॉड गज है, मीटर गज, नैरो गज, लाइट गज, ब्रॉड गज हमारे कंट्री में 90% है रेलवे लाइन। वो जो मीटर गज, नैरो गज, लाइट गज, वो है रेस्ट 10% है। सो वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 1, द शटल ट्रेन। शटल ट्रेन किसको बोलते हैं, टाउन बस जैसा जाता है आता है, एक बार एक दिन में चार बार आता है, उसका इंग्लिश वर्ड है शटल। द शटल ट्रेन सर्विस, वो जो शटल ट्रेन सर्विस है बिटवीन लाहौर एंड वाघा, दिस मीन्स इंडिया एंड पाकिस्तान, लाहौर एंड वाघा रेलवे स्टेशन हैज रिज्यूम्ड ऑपरेशन। वो उसका सर्विस अगेन रिज्यूम किया है, अगेन चला है आफ्टर ए गैप ऑफ हाउ मेनी ईयर्स, कितना साल बाद वो हुआ है। आंसर ऑप्शन बी है 22 ईयर्स, राइट। उसमें नंबर 2, रिसेंटली एन ऑक्सीजन पार्लर वॉज लॉन्च, एक ऑक्सीजन पार्लर रिसेंटली लॉन्च हुआ है, एट व्हिच रेलवे स्टेशन, क्वेश्चन में पूछ रहा है कौन सा रेलवे स्टेशन में है टू कम्बैट एयर पोल्यूशन। हमारे जो एयर पोल्यूटेड है, एयर है उसको कम्बैट करने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए जो ऑक्सीजन पार्लर है वो नीचे जो ऑप्शन है वो कहाँ का है। आंसर ऑप्शन नासिक, उसका काम क्या है वो जो ऑक्सीजन पार्लर है, प्रोवाइडिंग क्लीन एयर। नंबर 3, इंडियन रेलवेज हैज इंस्टॉल्ड द फर्स्ट एवर एटमोस्फेरिक वाटर जनरेटर। पहले इंडियन रेलवे फर्स्ट टाइम एटमोस्फेरिक वाटर जनरेटर इंस्टॉल किया है, किसो है, उसका नेम क्या है ना मेघदूत, उसका नाम है मेघदूत। एट व्हिच रेलवे स्टेशन, कौन सा रेलवे स्टेशन में, आंसर ऑप्शन डी है सिकंदराबाद। वो भी याद रखेंगे जो साउथ सेंट्रल रेलवे हेडक्वार्टर है सिकंदराबाद, राइट, साउथ सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर है सिकंदराबाद है। नंबर 4, द इंडियन रेलवे हैज स्टार्टेड द हिमदर्शन एक्सप्रेस ट्रेन बिटवीन कालका एंड व्हिच स्टेशन। इंडियन रेलवे स्टार्ट किया है द हिमदर्शन एक्सप्रेस नाम से एक ट्रेन स्टार्ट किया है कालका एंड व्हिच स्टेशन, कौन सा स्टेशन, स्टेशन और कालका से, आंसर है बी शिमला। यह एक बात याद रखिए जो कालका शिमला रेलवे इज ए नैरो गज रेलवे,
याद रखेंगे। वो भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में वो है। 1903 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसको बनाया था। वो भी याद रखिए, तीन तो रेलवे स्टेशन है जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में है, इंडिया में है, और दोनों क्या है ना, दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन, दार्जिलिंग रेलवे, उसको टॉय ट्रेन भी कहते हैं हमने, ये जो दार्जिलिंग रेलवे में है उसको क्या बोलते हैं, टॉय ट्रेन। और एक है नीलगिरी माउंटेन रेलवे, वो भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में है। टोटल तीनों यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में है, याद रखेंगे। क्वेश्चन में आएगा क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच रेलवे स्टेशन हैज बीन कंफर्ड विथ ईट राइट स्टेशन, स्टेशन में ईटिंग राइट है इसे, ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन विथ द 5-star रेटिंग बाय FSSAI, कौन सा रेलवे स्टेशन है उसने ईट राइट स्टेशन, हम उस रेलवे स्टेशन को सर्टिफाइड किया है विद द 5-star रेटिंग, 5-star में जैसे खाना मिलता है 5-star रेटिंग बाय FSSAI। पहले तो FSSAI का फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, याद रखिए एक क्वेश्चन है, उसका आंसर ऑप्शन क्या है, डी है आंसर ऑप्शन, उसका डी है आंसर ऑप्शन, क्या है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। और एक बात यहां याद रखेंगे, ये छत्रपति शिवाजी टर्मिनस उसको पहले बोलते थे विक्टोरिया टर्मिनस, राइट, विक्टोरिया टर्मिनस। एंड ऑल्सो वो बात भी याद रखेंगे, इट इज डिजाइन बाय, उसको कौन से लोग आदमी डिजाइन किए थे, उसका नाम क्या है ना, फ्रेडरिक विलियम, वो एक ब्रिटिश इंजीनियर थे, हाँ, वो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस को किए थे। नंबर 6, द रेलवे बोर्ड हैज नाउ डिसाइडेड, हमारे जो देश का जो रेलवे बोर्ड है वो डिसाइडेड क्या है, दैट ऑल न्यू रिक्रूट्स जो न्यू एग्जाम होगा इन रेलवे में, जो न्यू एग्जाम होगा विल बी इंडक्टेड थ्रू, उसको कौन इंडक्ट करेगा बा कौन परिचालना करेगा, इसका आंसर ऑप्शन है बी, UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, याद रखेंगे। नंबर सेवन है, व्हिच मेट्रो रेल बिकम द कंट्रीज सेकेंड लार्जेस्ट ऑपरेशनल मेट्रो प्रोजेक्ट, हमारे देश में जितना मेट्रो प्रोजेक्ट है हमारे कंट्री में है ऑपरेशनल है काम कर रहा है, उसमें सेकेंड कौन सा है, क्वेश्चन में बोल रहा है वो है हैदराबाद, याद रखिए आंसर को। नंबर 1 में है दिल्ली, उसको भी याद रखेंगे, फर्स्ट में है दिल्ली है। आएंगे नंबर 8, व्हिच स्टेट हैज फ्लैग्ड अप द कंट्रीज फास्ट फूड ट्रेन, कौन सा स्टेट फ्लैग्ड अप शुरू किया है द कंट्रीज फास्ट फूड ट्रेन फ्लैग अप किया है, उसका आंसर ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, याद रखिए सी आंध्र प्रदेश। नंबर 9, दी प्राइवेट ट्रेन ऑफ IRCTC वुड रन बिटवीन इंदौर एंड व्हिच सिटी, तो मैंने वो बोल रहा है क्वेश्चन, IRCTC जो है, IRCTC क्या है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, समझ गए, क्वेश्चन टूरिज्म कॉरपोरेशन, याद रखेंगे उसको, द प्राइवेट ट्रेन ऑफ IRCTC वुड रन बिटवीन इंदौर एंड व्हिच स्टेट, वो है आंसर ऑप्शन है डी वाराणसी, ये उत्तर प्रदेश में है, इंदौर वो मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट नंबर 10, व्हिच कंट्री हैज लॉन्च्ड द वर्ल्ड फास्टेस्ट ड्राइवलेस बुलेट ट्रेन, वर्ल्ड का फास्टेस्ट है, ड्राइवर भी नहीं है इसलिए वो ड्राइवरलेस, और वो ट्रेन कैसे ट्रेन है ना, बुलेट ट्रेन है, आंसर ऑप्शन है बी चाइना, राइट। नेक्स्ट नंबर 11, व्हिच हैज बिकम द फास्ट ट्रेन इन इंडिया, भारत देश का कौन सा ट्रेन फास्ट ट्रेन है टू हैव एयरक्राफ्ट स्टाइल बायो वैक्यूम टॉयलेट, एयर जो एयर में है
जो एरोप्लेन में जो स्टाइल में बायो वैक्यूम टॉयलेट है, व्हिच इज बिकम द फास्ट ट्रेन, कौन सा ट्रेन में ऐसा टॉयलेट है? याद रखिए, कालका दिल्ली एक्सप्रेस, आंसर ऑप्शन सी, कालका दिल्ली एक्सप्रेस है। नेक्स्ट नंबर 12, इंडियन रेलवे हैज प्लान, इंडियन रेलवे प्लान किया है टू इलेक्ट्रीफाई, ये टोटल ऑफ इलेक्ट्रीफाई करेंगे टोटल ऑफ 28,810 किलोमीटर अब ब्रॉड गज रूट। ये ब्रॉड गज के बारे में पहले बोला था मैं, ब्रॉड गज रूट उसका आंसर है ए ऑप्शन में है, दिसंबर 2023, राइट। नेक्स्ट 13, द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, इकोनॉमिक अफेयर्स का जो कैबिनेट कमिटी है, सॉरी कैबिनेट कमिटी हैज गिवन इट्स अप्रूवल, वो अप्रूवल दिया है क्यों ना, फॉर टेकिंग अप कंस्ट्रक्शन ऑफ व्हिच फ्लाईओवर इन उत्तर प्रदेश बाय द मिनिस्टर ऑफ रेलवे, वो कंस्ट्रक्ट कौन करेगा ना, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे करेगा। फ्लाईओवर कहां से होगा, कहां होगा ना, उत्तर प्रदेश में होगा। उसका आंसर ऑप्शन है बी, अलीगढ़ टू हरदुआगंज, अलीगढ़ टू हरदुआगंज, याद रखेंगे उसको। नंबर 14, रेनबो रिवोल्यूशन रिलेटेड टू, रेनबो रिलेशन रिलेटेड टू, आंसर ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव। यह तुम याद रखेंगे जो ग्रीन रिवोल्यूशन, एग्रीकल्चर को ग्रीन रिवोल्यूशन में इंडस्ट्री को शिफ्ट हुआ था, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को शिफ्ट हुआ था ग्रीन रिवोल्यूशन में। व्हाइट रिवोल्यूशन में मिल्क, याद है तुमको मिल्क। ब्लू रिवोल्यूशन रे फिश, ब्लू रिवोल्यूशन में फिश है। इफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड एवर ग्रीन रिवोल्यूशन, इफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड एवर ग्रीन रिवोल्यूशन, देन द आंसर इज एग्रीकल्चर, राइट। नेक्स्ट नंबर 15, द लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज इन इंडिया, इंडिया में कौन सा ब्रिज है लॉन्गेस्ट है, लोकेटेड ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडी, कौन सा वाटर बॉडी का ऊपर लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज इंडिया का है, उसका आंसर है रिवर ब्रह्मपुत्र, आंसर सी में है रिवर ब्रह्मपुत्र। जो रिवर ब्रह्मपुत्र है वो जो ब्रिज, वो ब्रिज का, वो ब्रिज को गोगी बिल ब्रिज, गोगी बिल, देखिए गोगी बिल है, गोगी बिल ब्रिज उसको बोलते हैं रिवर, रिवर ब्रह्मपुत्र का ऊपर में वो क्या है ना, असम से, असम का धेमजी डिस्ट्रिक्ट, धेमाजी, असम का धेमाजी डिस्ट्रिक्ट और डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट उसको कनेक्ट करता है, है? वो जो लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज है उसका लेंथ है 4.94 किलोमीटर, याद रखेंगे तुमने 4.94 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इन कश्मीर, कश्मीर में है, हाईएस्ट माने उसका हाइट ज्यादा है, है? कश्मीर बीइंग कंस्ट्रक्टेड ओवर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, कौन सा रिवर में वो हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इंडिया का बन रहा है कश्मीर में, राइट है? उसका आंसर ऑप्शन है, देखिए हाँ, उसका आंसर ऑप्शन है चेनाब, एम ए एम ए। वो चेनाब जो ब्रिज है उसका लेंथ है 1,315 मीटर, राइट। उसका हाइट क्या है, सी लेवल से उसका हाइट है 359 मीटर, याद रखेंगे उसको 359 मीटर है। सो नंबर 17, वर्ल्ड्स नंबर 17, नेम द रेलवे स्टेशन, उस रेलवे स्टेशन का नाम बोलिए इन इंडिया हैविंग लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म, जहां से प्लेटफॉर्म क्या है लॉन्गेस्ट है, है? उसका आंसर है गोरखपुर। और एक बात याद रखेंगे, अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी हमारे प्रोजेक्ट हुबली में, ये हुबली बन जाने से एक गोरखपुर जो नाव हाईएस्ट है उसका कट जाएगा, वो जो हुबली है अभी तो नहीं हुआ है, वो जो हुबली वो साउथ वेस्ट रेलवे का हेडक्वार्टर है, उसको याद रखेंगे, साउथ वेस्ट रेलवे का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए नंबर 18, नेम द ट्रेन व्हिच कवर्स द लॉन्गेस्ट रूट इन इंडिया, इंडिया में जितना ट्रेन चल रहा है उस ट्रेन का डिस्टेंस कौन सा ट्रेन ज्यादा करता है,
उसका आंसर ऑप्शन है बी, विवेक एक्सप्रेस। विवेकानंद जो हमारे है उसका नाम में वो एक्सप्रेस का नाम है विवेक एक्सप्रेस, और 2013 में शुरू हुआ था। वो जो शुरू हुआ था वो था 150th बर्थडे एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद। वो ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलता है? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलता है, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलता है। उसका लेंथ क्या है ना, 4,234 किलोमीटर उसका डिस्टेंस है डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी। वो जो ट्रेन वो 9 स्टेट को कवर करके उसका डेस्टिनेशन में पहुंचता है, राइट। नेक्स्ट नंबर 19, जोनल हेडक्वार्टर्स इन इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे का तीनों जोनल हेडक्वार्टर्स इज लोकेटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। नीचे जो सिटी दिया है उस सिटी में, कौन सा सिटी में इंडिया का तीन जोनल हेडक्वार्टर्स लोकेटेड है? आंसर है दिल्ली, डी कोलकाता। आंसर है कोलकाता। ये जो थ्री जोनल हेडक्वार्टर है कौन कौन सा है ना, ईस्टर्न रेलवे, साउथ ईस्ट रेलवे, कोलकाता मेट्रो। वो तीनों हेडक्वार्टर्स कोलकाता में है, वो बात भी याद रखेंगे। टोटल जर्नल हेडक्वार्टर्स इंडिया में 18 है, 18 है, है? नेक्स्ट नंबर 20, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द रेलवे बजट वाज मर्ज्ड विद द जनरल बजट। कौन सा ईयर में रेलवे बजट और हम देश का जो जनरल बजट होता है वो मर्ज किया था, वो मिक्स हो गया था? वो था 2016। वो बात भी याद रखेंगे कि 1924 में जो वायसराय थे लॉर्ड रीडिंग, और लॉर्ड रीडिंग के टाइम में ये जो जनरल बजट और रेलवे बजट वो सेपरेट हुआ था, उसको भी याद रखेंगे, हाँ? वो सेपरेट हुआ था। नेक्स्ट नंबर 21, द मैत्री एक्सप्रेस रन्स फ्रॉम इंडिया टू व्हिच कंट्री। इंडिया से एक मैत्री एक्सप्रेस जाता है कौन सा कंट्री को जाता है? आंसर ऑप्शन है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश जाता है इंडिया से जाता है, तो इंडिया से कोलकाता से बांग्लादेश ढाका तक जाता है वो जो ट्रेन। वो उसका फास्ट सर्विस, फास्ट सेवा 14 अप्रैल 2008 में देना शुरू किया था, याद रखेंगे, हाँ? 2008 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट नंबर 22, व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्रेन दैट रन फास्ट फ्रॉम बोरीबुंदा टू थाने इन 1853। ये जो बोरीबुंदा उसे बम्बई का बात बोल रहा है, बोरीबुंदा, तो व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्रेन दैट रन फास्ट फ्रॉम बोरीबुंदा टू थाने इन 1853। आंसर ऑप्शन डी में है, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे, याद रखेंगे उसको। नेक्स्ट 23, द फास्ट रेलवे टाइम टेबल ऑफ इंडिया आर डिजाइन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द फास्ट रेलवे टाइम टेबल ऑफ इंडिया आर डिजाइन बाय। सी में ऑप्शन है जॉर्ज ब्रैडशॉ, याद रखेंगे ब्रैडशॉ, BRAD ब्रैडशॉ। नंबर 24, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे स्टेशन इज कंसीडर्ड द लार्जेस्ट रेलवे जंक्शन इन इंडिया। इंडिया में लार्जेस्ट रेलवे जंक्शन कौन सा है? वो है बी ऑप्शन में है, वो है मथुरा, राइट, है। नेक्स्ट नंबर 25, हु अमंग द फॉलोइंग आज द फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इन इंडिया। इंडिया में फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर, इंडिपेंडेंट इंडिया में फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर कौन थे? आंसर ए में है जॉन मथाई, याद रखिए, वो भी फर्स्ट रेलवे बजट प्रेजेंट किए थे लोकसभा में, है। सो इफ यू लाइक माई वीडियो, लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।